फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स है जो कल 21 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा जेई के वेबसाइट पर आया हुआ एक नोटिस है, नोटिफिकेशन है। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आगे हो वीडियो पर थोड़ा सा पूरा देख के ही जाना, तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो कल एक नोटिफिकेशन आया था कि उड़ीसा जेई के अंदर में जिसका एक्स सर्विस मैन जो कोटा होना है, तो एक सर्विस मैन कोटा सीट्स आर अवेलेबल फॉर बीटेक बीआरक बीफ्लान बीकैट एमएससी, ऐसे कोर्सेज में आपका एक्स सर्विस मैन का कोटा लगना है। तो उसके लिए एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स है वो आपका 22 अक्टूबर से लेकर, मीन्स आज से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में जो आपका प्लेस है, प्लेस दिया हुआ है आपका कटक में जो हॉस्पिटल आपका वहाँ पर है, आप वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हर चीज़ वहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार नोटिफिकेशन मेरे से मांग लेना। एक ये अपडेट आया हुआ है आपके पास। दूसरा अपडेट है कि जो फ्रेंड फिजिकल हैंडीकैप यानी फिजिकल चैलेंज के कोटा में आते हैं, तो उनके लिए भी एक अपडेट आया हुआ है। वो भी अपने उनके लिए भी सीट जो है आपका उड़ीसा जेई के अंदर में अवेलेबल है। तो उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है ओजी के वेबसाइट पर। आप वहाँ जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, पूरी डिटेल्स वहाँ पढ़ लेना अच्छे से। मैं आपको ब्राउचर भी शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो वहाँ भेज दूंगा साथ साथ। और एक कोटा और आया हुआ था कि जिनको बी कैट करना है, यानी बी कैट करने वाले जो ओजी के अंदर में है, तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें, जो कि एक बार जो सीटें अवेलेबल जितना भी है सब कुछ डिटेल दिया हुआ है ब्राउचर के अंदर में। साथ साथ अगर बात करें तो वैसे बी आर जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में देख रहे थे एडमिशन, उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये चार अपडेट है जो ओजी के वेबसाइट पर कल रात को जारी हुआ था, तो आप जाकर वहाँ से एक बार देख लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ वहाँ मिला हो, हर चीज़ वहाँ अपडेट दिया गया है। तो आप ये सब चारों चीज़ पढ़ो वहाँ पर, तभी आपको समझ में आने वाला है मेरे छोटे भाई बहनों। तो इसको जाकर देखो, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को पर्सनली पिंग कर लेना व्हाट्सएप पर, मैं आपको ब्राउचर शेयर कर दूंगा साथ साथ। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होगा तो मैं वहाँ पर आपको डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो ये नोटिफिकेशन को। साथ साथ जो उड़ीसा का वेबसाइट है कंटिन्यू वहाँ पर देखते रहो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट अब आने वाले हैं, क्योंकि अब हो रहा है खेला, क्योंकि अब हर चीज़ अपडेट होने वाला है मेरे छोटे भाई बहन। तो आप वहाँ जाकर जरूर एक बार अपडेट देखते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक ऐसे ही बहुत सारे अपडेट पहुँचते रहे। उड़ीसा जेई के काउंसलिंग की एक एक अपडेट मैं पहुँचा रहा हूँ। अगर कोई और भी कॉलेज का मुझे अगर वीडियो बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो मुझे कमेंट करें किस कॉलेज के बारे में क्या बनाओ, किस टॉपिक को बनाना हो, तो मुझे सजेशन दे, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि बहुत लोगों को हेल्पफुल मिल सके। तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप तक अपडेट करूँ उड़ीसा जेई के बारे में। मिलते हैं फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।